देखिए भारत में ओके ऑल राइट गुड गुड फॉर अस नाउ थैंक यू वेरी मच इंडिया में एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है लाइक वी यूज दिस वर्ड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम तीन ब्रांचेस होती है गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड द वर्ड इंटीग्रेटेड इज स्पेसिफिकली यूज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द जुडिशियरी द रीजन बींग हमारा जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है वो बेसिकली फेडरलिज्म फॉलो करता है फेडरलिज्म अगर हम सबसे सरल शब्दों में कहें तो बेसिकली दो सेक्शन दो लेवल्स ऑफ ऑफ दी दो लेवल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को कर देना इस चीज को फेडरलिज्म कहा जाता है जुडिशरी के कॉन्टेक्स में अगर हम कंपैरेटिवली बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहां से फेडरलिज्म का एक्चुअली में ओरिजिनेट भी हुआ है वहां पर जुडिशरी भी फेडरल है विच मीन टू से आर टू टाइप्स ऑफ दी कोर्ट्स ओवर देयर एक तो जो नेशनल सुप्रीम कोर्ट है जो कि सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल को करती है, उनको करती है, courts, जो सिर्फ पर्पस, सिस्टम नहीं है फेडरलिज्म नहीं है, actually, में एक बनी हुई है तो नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उनके ऊपर कोर्ट्स है और सबसे ऊपर जो है टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है और एक प्रकार से

Now, this is जो कि एक law को याद करना ज्यादा जरूरी होता है लकीली व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी हमें इस हाई में बहुत ज्यादा डिटेल्स uh, के अंदर जाने की जरूरत नहीं है बट येस द बेसिक दैट इन्फॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट एक पर्टिकुलर हाई फॉलो करती है किसी भी स्टेट के अंदर इफ यू गो टू एनी पर्टिकुलर स्टेट हरियाणा राजस्थान पंजाब और एनी विच वन तो बेसिकली जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होगी दैट वुड बी कॉल्ड एज हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट यानी कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट में जो सबसे टॉप पे होती है वो हाई कोर्ट होती है नाउ द कॉन्सेप्ट आइडिया ऑफ द प्रेजेंट डे हाई हाईकोर्ट बेसिकली ओरिजिनेटेड इन एटीन ठीक है सबसे पहले उस साल में अठारह में तीन हाई हाईकोर्ट बनाई गई थी दैट वॉज दी कलकत्ता हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट एंड द मद्रास हाईकोर्ट अब इफ यूड इफ यू वुड इफ यूर इफ यू आर एबल टू नोटिस ये तीनों के तीनों जो सिटीज़ हैं इंटरेस्टिंगली वेरी कोइंसिडेंटली तीनों सिटीज का नाम चेंज हो चुका है कलकत्ता का कोलकाता बॉम्बे का मुंबई और मद्रास का चेन्नई हमेवर जो कोर्ट्स हैं उनका नाम अभी भी सेम ही है कोलकाता हाई कोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट चेन्नई में उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट कलकत्ता हाई 1862 में बनी थी अगर देखा जाए तो इस समय हमारे देश की जो सबसे पुरानी हाई है दैट वुड बी आउट एंड आउट कलकत्ता हाईकोर्ट ये दो जुलाई अठारह को बनी थी सिमिलरली उसके एक महीने बाद बॉम्बे हाईकोर्ट 14 अगस्त को स्टैब्लिश की गई थी और मद्रास हाईकोर्ट 15 अगस्त अठारह सो बासठ को इंसिडेंट फिफ्टीन ऑफ अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस भी था फ्यूचरिस्टिक सिंगल इंडियन एक्ट ऑफ एनड्रेड के तहत बनाई गई थी गोवा तो और, और महाराष्ट्र दो स्टेट एंड दादरा नगर हवेली हाईकोर्ट है मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु और एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी फॉर्मेशन बेसिकली केस कि हमारी जो एक कोर्ट होती है वो जरूरत पड़ने पर एक सिंगल स्टेट की भी हो सकती है चाहे तो एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी की भी हो सकती है दो स्टेट एक यूनियन भी हो सकती है प्रिंसिपल <coughs> सीट होती है यानी कि जहां पर बेसिकली वो कोर्ट फिजिकली प्रेजेंट होती है देन द कोर्ट कैन एक्चुअली हैव सेवरल बेंचेज ऑल्सो जैसे कि पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में Uh, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है दो जंगे पर है, कलकत्ता के अंदर और बेसिकली के अंदर, उसके बाद औरंगाबाद नागपुर और पानाजी यहां पर भी बेसिकली एक बेंच है यानी कि अगर आपको जाना हो बॉम्बे कोर्ट में तो अगर आप गोवा के अंदर है तो आपको मुंबई नहीं जाना पड़ेगा राधर आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली पंजे जा सकते हैं राइट

तो अगर हम सबकी इंडिविजुअल कोर्ट्स बनाएंगे so they'll come to total 36. लेकिन हैं सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी uh, सिर्फ, सिर्फ तीन कोर्ट हैं जिनकी ज्यादातर एक स्टेट से अधिक जूडिस है जैसे कि बॉम्बे कोर्ट है उसकी जूडिस महाराष्ट्र पर भी है और गोवा पर भी है उसके बाद आठ यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ दिल्ली ही है जिसकी एक अलग से सेपरेट कोर्ट है राइट right? अलग से एक सेपरेट हाई कोर्ट है दो जो सबसे लेटेस्ट नई यूनियन टेरिटरीज हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये दोनों भी यूनियन टेरिटरी है लेकिन इन दोनों की एक कॉमन सिंगल हाई कोर्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है दो 2019 से पहले वो एक जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट की हाई कोर्ट हुआ करती थी बट आई आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू यूनियन टेरिटरीज दट हाईकोर्ट इज बेसिकली शेयर बाय टू यूनियन टेरिटरीज चलिए बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एक कॉमन हाई कोर्ट है यूनियन टेरिटरीज जनरली बेसिकली जो बाकी सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज है दिल्ली और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अगर छोड़ दे तो किसी जो भी जोग्राफिकली क्लोजर स्टेट होती है उसके साथ उसको एड कर दिया जाता है जरूरत पड़ने पर नो डाउट अबाउट इट पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द ऑफ अ हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी और अगर चाहे तो वो बेसिकली उसको चेंज भी कर सकते हैं

जोधपुर हाई कोर्ट जो कि राजस्थान की हाई कोर्ट है जो कि एक सिंगल स्टेट की एक सिंगल हाई कोर्ट है तो उसमें भी एक चीफ जस्टिस होंगे चीफ जस्टिस ऑफ जोधपुर हाई कोर्ट उसी प्रकार से अगर हम महाराष्ट्र यानी बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो वो है को टर्मिनस तीन दो स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी पे है लेकिन उनका चीफ जस्टिस एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट सो वेदर एक्सक्लूसिव और कॉमन कॉमन कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड एज मच एज मेनी जजेस एज द प्रेसिडेंट अपॉइंट

कि जब प्रेसिडेंट किसी जज की अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करें सो दैट एडवाइस इज बेसिकली बाइंडिंग ऑन द प्रेजिडेंट ओवरऑल उस चीज को भी क्लैरिफाई किया गया है दैट दिस एडवाइस इज नॉट द इंडिविजुअल एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रादर कॉलेजियम यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट

उनके जितने भी जजेस हैं, राइट अप्रोक्सिमेटली ग्यारह सौ के करीब पूरे देश के अंदर जजेस होंगे हाई कोर्ट के, ऑल ऑफ आर बेसिकली रेकमेंडेड बाय दिस तो वो गवर्नर को भी कंसल्ट करते हैं तो गवर्नर प्लस प्रेजिडेंट एंड प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विच लीगली इज अंडरस्टूड एज दॉलीजियम गवर्नर प्लस प्रेसिडेंट तो अगर हम बात करें कि कोई ऐसी कोर्ट जिसमें दो स्टेट के गवर्नर जिसकी जस्टिस ऑफ कोर्ट तो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे कोर्ट को अगर हमें अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट को तो so, वो रेकमेंडेशन आएगी कॉलेजियम से और गवर्नर के साथ भी बेसिकली कंसल्टेशन होगी एंड बाकी जजेस बॉम्बे कोर्ट के चीफ जस्टिस छोड़ के बाकी किसी जज को अगर अपॉइंट करना हो तो उसमें कॉलेजियम प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट इसको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा और कंसल्ट करना पड़ेगा यू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी ओवर हियर वेल क्रेट चलिए अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर चीफ जस्टिस ऑफ दाईकोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड और अगर हम अच्छा चाहे कॉमन हाईकोर्ट हो चीफ जस्टिस तो एक ही होगा सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम बट कॉमन हाईकोर्ट होती है तो गवर्नर बेसिकली दो हो सकते हैं गोवा का गवर्नर अलग हो सकता है महाराष्ट्र का गवर्नर अलग हो सकता है सो इन दैट केस द गवर्नर ऑफ द अदर स्टेट और द यूनियन टेरिटरीज कैन ऑल्सो भी कंसर्न बाई देजिडेंट अब ये जो जजेस के जो ये कॉलेजियम सिस्टम है अगर आपने सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर किया है तो यू वुड प्रोबेबली अंडरस्टैंड इट बट एक बार मैं शॉर्ट में अगर बताऊं सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजिडेंट शैल कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया

मतलब कि अगर कंसल्ट किया है चीफ जस्टिस इंडिया को प्रेसिडेंट ने दैट डज नॉट मीन द प्रेसिडेंट आल्सो हैव टू टू द सेम एडवाइस हाउएवर दैट सेम जजमेंट वाज बेसिकली इन 1993 कॉल्ड इन समथिंग कॉल्ड एज द सेकंड जजेस केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी हाई कोर्ट एंड आल्सो सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती अनटिल अनलेस इट इज इन विद द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेक्निकल और लीगल भाषा में बात की जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द का प्रयोग किया गया था कंसल्टेशन का 1993 में ने दी कि मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एडवाइस है वो बेसिकली प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है इन दी केस जब वो रेकमेंड करें अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस और कोर्ट के जजेस का इसी चीज को क्लैरिफाइ किया गया नाइनटीन में

तो उस चीज को वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को थर्ड जजेस केस कहा जाता है यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैव टू कंसल्ट टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ओपिनियन है वो कंसल्टेशन काउंट नहीं किया जाएगा सो द ओनली डिफरेंस दैट इज कम कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस फोर सुप्रीम कोर्ट जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं नॉट बाय द एज बट बाय द एक्सपीरियंस कि कौन कितने दिन तक सुप्रीम कोर्ट का जज है तो लेकिन जो छह साल से जज है और जो साढ़े पांच साल से जज है तो वो छह साल वाला सीनियर होगा चाहे उसकी एज थोड़ी सी कम हो सकती है पहले वाले से इसको कहते हैं कॉलेजियम इन द केस ऑफ द कोर्ट यू हैव टू कंसल्ट गवर्नर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट प्लस जियम लेकिन यहां पर कॉलेजियम होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस टू सुप्रीम कोर्ट जजेस सो हाई कोर्ट के केस में दो हैं और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के केस में चार हैं दैट इज ओनली बेसिक डिफरेंस जो कि आपको पता करना पड़ेगा इस क्रोनोलॉजी में ये तीन जजेस के केसेस की क्रोनोलॉजी में एक और इंपॉर्टेंट बात आती है नाउ दिस इज नॉट रेलिवेंट टू मेन्स एनी मोर

ऐसी चीज होगी इसको कहेंगे ये सिस्टम को रिमूव करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए प्लान बनाया गया था और कॉलेजियम सिस्टम जो जैसे सीजीआई और चार सीनियर मोस्ट जजेस को हटा के प्लान बन जाएगा कि नया नेशनल जुडिशियल कमीशन अपॉइंट किया करेगा बट सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को

तो जो ये वाला केस था इसको उसी क्रोनोलॉजी में हम फोर्थ जजेस केस कहते हैं 2015 में आया था उन्होंने कहा कि जो ये NJAC, जो ये नया सिस्टम होगा ये बेसिकली जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे खतरा बन सकता है या उसके साथ इंटरफियरेंस कर सकता है विच इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन नॉट एक्चुअली अलाउ इट सो डन एंड डस्टेड सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है

दी टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर टेन इस और दूसरी क्वालिफिकेशन है वो किसी भी कोर्ट के एडवोकेट रहे हो कम से कम दस साल तक देर आर ओनली टू क्राइटेरिया अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजिस की एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन uh, uh, के बारे में बात करें तो वहां पे एक और था ए डिस्टिंगिस्ड जूरिस्ट कैन ऑल्सो बिकम द सुप्रीम कोर्ट जो आज तक नहीं हुआ है, yet, है? वो अभी तक किसी भी डिस्टिंगिस्ट जूरिस्ट को आज तक सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बनाया गया है इट इज स्टिल इन दी क्राइटेरिया बट ऐसा कुछ यहां पर हाईकोर्ट के उसमें जजेस में नहीं होता हाईकोर्ट के जजेस के सिर्फ दो क्वालिफिकेशन है याद करने के लिए कि भाई या तो कोई जुडिशियल हो दस साल तक या फिर एडवोकेट रहे हो किसी हाईकोर्ट के दस साल तक चाहे सक्सेशन में हो पांच साल के एक हाईकोर्ट पांच साल के दूसरे हाईकोर्ट छह साल के एक हाईकोर्ट चार साल के दूसरे हाईकोर्ट इन एनी विच में बट आपको हाईकोर्ट के एडवोकेट रहने चाहिए सो मिनिमम एज कुछ भी नहीं है चाहे हाई कोर्ट के जजेस की भी कोई मिनिमम एज नहीं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी कोई मिनिमम एज नहीं है बट या मतलब जैसे कि अगर आप लॉ uh, करोगे तो ग्रेजुएशन मैक्स टू मैक्स कब होगी इक्कीस बाईस तेईस साल तक होगी और फिर दस साल तक तो जॉब चाहिए तो मतलब पैंतीस साल से नीचे बनने का कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन भी नहीं है जज बनने का हाई कोर्ट का जज पैंतीस साल से नीचे बना भी नहीं जा सकता है टेक्निकली स्पीकिंग राइट सो अनलाइक इन द केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई डिस्टिंग जूरिस्ट का कोई ऑप्शन नहीं दिया है जज बनने के लिए हाई कोर्ट का विच इज लाइक बी नोटेड इट्स इट बी समथिंग इन माइंड ठीक है जब भी कोई जज बनता है, judge, एक और लेता है. उसको दिलाते हैं या फिर गवर्नर किसी को एलिजियंस टू दूशन सॉवरिटी को अपहोल्ड करेंगे और अपनी नॉलेज और अबिलिटी के बेस्ट बेसिकली फेथफुली वो जजमेंट देंगे बिना किसी डर फेयर अफेक्शन और इल विल के और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को अपहेल्ड करेंगे नाउ हाउ मच इज How much the judges are able to hold these oaths? Well, that answer I'll leave it to you. I actually don't have no comments on it. Salaries, this is something which you don't actually need to remember. pension Right now, I think I have actually mentioned it several times. The salaries of the judges are basically charged on the consolidated fund of the state, particular state. And the salaries,

No, uh, छ पांच ऐसा कुछ भी नहीं है रिटायर इट इज दिक्सटी टू ईयर्स ठीक है वैसे कोई क्राइटेरिया नहीं है रिजाइन किसी भी समय कर सकते हैं बाई राइटिंग टू द प्रेजिडेंट ऑब्वियसली कैन बी रिमूव बाई हिजर ऑफिस बाई देशन ऑफ द्लियमेंट हाई कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल का प्रोसीजर है वो एग्जैक्टली exactly सेम है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल का प्रोसीजर है लाइक इज नो डिफरेंस मतलब कि इन दोनों में कोई ऊपर नीचे नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस सीनियर हैं और हाई कोर्ट के जजेस थोड़े से सब ऑर्डिनेट है इक्वल पाथ वैन इट कम्स टू द रिमूवल रिमूवल बेसिकली यानी कि हाई कोर्ट के जजेस को स्टेट लेजिस्लेचर नहीं हटा सकता है रादर दे कैन ओनली बी रिमूव बाय पार्लियामेंट एंड जरूरत पड़ने पर अगर वो सुप्रीम कोर्ट के

अगर जज ने बिहेवियर किया हो या फिर ही इज इनकेपेबल करते हैं right? कुछ भी नहीं है तो जज ऑफ दाई कोर्ट को एग्जैक्ट सेम मैनर में हटाते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं so, कि क्या रूल्स एंड क्या प्रोसीजर बना रखा है पार्लियामेंट so, कि किसी एक जज को हटाना है, so है इससे रिलेटेड वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है राज्यसभा और चेयरमैन डिपेंडिंग वो चाहे तो रिफ्यूज कर सकते हैं रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करना इफ ई रिफ्यूज इज इट्स बट इफ ही देन उसके बाद स्पीकर या चेयरमैन एक तीन मेंबर की कमेटी बनाएंगे उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो ये जो सौ मेंबर हैं इन्होंने लिख के दिया स्पीकर को कि इस जज ने मिसबिहेवियर किया है वेन द स्पीकर गेट्स दैट नोटिस ही विल एडमिटेड दैट मोशन बट देन रादर देन वोटिंग ऑन इट उस पर वोटिंग नहीं होगी एक तीन मेंबर की कमेटी बनेगी कि इसमें जो चार्ज लिखा गया था हाउ ट्रू इज दैट उस कमेटी में रूल है उस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस होने चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले लो या अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के किसी दूसरे जज को ले लो चीफ जस्टिस ऑफ ए 25 हाई कोर्ट हाई है उसमें से किसी भी एक हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस को ले लो एंड अ डिस्टिंग ज्यूरिस्ट ये जो तीन मेंबर की कमेटी है ये उस चार्ज को इन्वेस्टिगेट करेगी एंड देन दे वुड गिव ए रिपोर्ट वेदर दैट इज ट्रू और नॉट

ट्रांसफर कर सकते हैं सो so पॉसिबल, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करना पड़ता है एंड जनरली दूसरी जो दोनों कोर्ट्स हैं, उनके चीफ जस्टिस से भी बेसिकली कंसल्ट किया जाएगा जस्टिस ये जनरली किया नहीं जाता इट्स बेसिकली एन एक्सेप्शनल मेजर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में जब ये करना हो तो ही किया जा सकता है एंड इट कैन बी जुडिशली रिव्यूड आल्सो मतलब कि जो जजेस का जो ट्रांसफर है वो मेलिशियस नहीं होना चाहिए सिर्फ वही इंडिविजुअल जो ट्रांसफर हुआ है वही चैलेंज कर सकता है ओनली दैट पर्सन मतलब कि अगर आपको कि किसी जज को गलत ट्रांसफर कर दिया सो दैट टेक्निकली वुड नॉट बी एबल टू हम उसको वो नहीं कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे चैलेंज नहीं कर पाएंगे बट इफ यू द जज वॉन्ट्स टू डू इट दे कैन डू इट केस ऑफ दर ऑफ हाईकोर्ट जज इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन एडिशन टू दॉलिजियम दीफ जस्टिस ऑफ द टू हाईकोर्ट एन दीविंग सुप्रीम कोर्ट का जो ये ट्रांसफर वाला सिस्टम है वो भी अपॉइंटमेंट की तरह ही है ट्रांसफर भी बेसिकली प्रेजिडेंट है ऑर्डर विल कम फ्रॉम दफिस ऑफ द प्रेजिडेंट हाउवर ही दीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कंसल्टेशन हो तो वो मानी जाती है जो कॉलेजियम की कंसल्टेशन हो पर ट्रांसफर के समय में एक नया पॉइंट ऐड कर रखा है कि जो दोनों चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट्स के उनको भी बेसिकली मान लिया जाए नाउ जस्ट नाउ दिसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कैन अ चीफ जस्टिस ऑफ अर्ट बी ट्रांसफर्ड टू समर्ट एज दीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाईकोर्ट

मतलब सेम जो क्वालिफिकेशन अगर वो क्राइटेरिया मीस कर मीट करते हैं तो एक एडिशनल जजेस ऑफ हाई कोर्ट भी बनाए जा सकते हैं यूजुअली फॉर टू इयर्स ठीक है अगर हाई कोर्ट के पास ज्यादा काम आ गया है तो इट्स एज सिंपल एज दैट देन एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट भी बनाया जा सकता है अदर देन द चीफ जस्टिस बेसिकली ये पुराने वाला एक्टिंग चीफ जस्टिस था ये वाला बेसिकली एक्टिंग जज है अगर कोई जज कम है काम नहीं कर पा रहे हैं अपॉइंटेड एज टेम्पोरली नॉट ए स्पेसिफिक रीजन

Uh, of the high court are charged on the consolidated fund of the state so they are non-votable by the state now the pension of the high court judge is charged on the consolidated fund of the india interestingly conduct of the judges cannot actually be discussed in the parliament constitution prohibits

कि कौन कौन सी जुडिसिक्शन है पावर्स ऑफ हाई कोर्ट की ये सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन होने से पहले जो पावर्स थी वो रहेंगी आइए देखते हैं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स हाई कोर्ट जुडिसू ओवर रेवेन्यू मैटर्स ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ और एडिशनल पावर्स भी दी है लेटरसी एक एक करके ओरिजिनल जुडिसिक्शन रिट एपलेट सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर सब कोर्ट कोर्ट ऑफ रैकर्ड एंड पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यूज देर आर सेवरल थिंग्स जो कि बेसिकली, बेसिकली पावर्स देती है ऑल ऑफ दीज थिंगस ओरिजिनल के बारे में बात करते हैं ओरिजिनल जूजन का मीनिंग अब पता है ओरिजिनल जूजन अगर हम सिंपल डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो ऐसे केसेस जो कि डायरेक्टली किसी कोर्ट में सुने जा सकते हैं तो अगर कोई कोर्ट उस केस को डायरेक्टली सुन सकती है तो यानी उसकी ओरिजिनल जोरिस्डिक्शन में आता है तो के तौर पे देखें रिलेटिंग इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई एमएलए उसका इलेक्शन हुआ उस पर कोई डिस्प्यूट हो गया तो दैट केस कैन डायरेक्टली गो टू कोर्ट रेवेन्यू मैटर और एन एक्ट ऑर्डर और डन इन द रेवेन्यू कलेक्शन

आपको याद नहीं करना, ओरिजिनल सिविल जुजिसडिक्शन होती है वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास होती है ओरिजिनल वाली तो केस द फर्स्ट केस वुड एक्चुअली गो इनटू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बट ये चार कोर्ट्स थोड़ी सी इंसिडेंटली पुराने लॉस के अकॉर्डिंग सिविल केसेस को भी सुन सकती है बिफोर 1973 कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास इनके पास ओरिजिनल क्रिमिनल जोरिस्डिक्शन भी थी यानी कि जो क्रिमिनल केसेस थे वो डायरेक्टली में, इन में केसेस जा सकते थे हो वो पहले या फिर court, में फाइल होता है उसके बाद जाकर वो कोर्ट में अपील किया जा सकती है ओके रिट दिस सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट गेट्सडिक्शन विच इज बेसिकली टूल टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट गेट्स इन थोड़ा राइट तो आर्टिकल टू हंड्रेड ट्वेंटी का हर एक कोर्ट पच्चीस 25 की पच्चीस 25 कोर्ट को एम्पावर कर सकता है करता है जो रिट्स इशू कर सकती है ऑफ मैंडमस सर्टियोरारी प्रोहिबिशन एंड वॉरेंटो फंडामेंटल राइट्स अब यहां पे एक तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है

तो हाई कोर्ट्स कैन बेसिकली यूज दिस पावर द सुप्रीम कोर्ट कांट सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट नॉट ओनली विद इन इस टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन आउटसाइड इट टेरिटोरियल ठीक है नॉट डेस सो इट इज नॉट एक्सक्लूसिव राधर इट इज बेसिकली कन करेंट विद द सुप्रीम कोर्ट पावर ऑल राइट सो यू हैव एब्सोल्यूट चॉइस इफ द फंडामेंटल राइट्स आर बींग वायोलेटेड यू कैन चूज टू गो टू दी हाई कोर्ट एंड यू कैन चूज टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो द रिट जुरिस्टिक्शन ऑफ हाई

कि रिट इज बेसिक स्ट्रक्चर इज अ क्वेश्चन वन डे सम स्मार्ट एग्जामिनर विल बेसिकली फाइंड कि बच्चों को ये याद नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज कवर होती है एंड देन इज गोइंग टू फाइंड सम रैंडम सेंटेंस लाइक दिस नॉट फ्रॉम लक्ष्मीकांत प्रॉब्लम बट देन देर गो नो एस दिस वन डे यू लुड बी एबल टू आंसर इट नाउ बिकॉज वी आर पॉइंटिंग इट आउट देन दी एपल्शन

कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबोर्डिनेट कोर्ट के जो सिविल केसेस है अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा का वो केस है तो उसको अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में सेकंड अपील फ्रॉम द ऑर्डर एंड जजमेंट इन केसेस इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली कुछ क्वेश्चंस जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉ से रिलेटेड है फैक्ट से रिलेटेड नहीं है वो भी है कुछ के पास सम स्टेट्स हैव अ डिफरेंट अगेन वी डोंट नीड टू रिमेंबर दैट इंट्रा कोर्ट अपील्स भी हो सकती हैं जब एक सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड अ केस उसको बेसिकली बड़े बेंच के ऊपर भी दिया जा सकता है राइट मतलब कोर्ट में एक केस डिसाइड हुआ था उसमें सिंगल जज था बट सेम जजमेंट इज अपील्ड इन सेम कोर्ट जिसमें बेसिकली डिवीजन बेंच हो गया, या फिर लोग हो गया उसके बाद इन बेंच ऑफ द स्टेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया है कि जो, ये दी कि जो रिट होती है इट कैन ऑलसो गो टू द ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल so, की कोई जजमेंट अगर चैलेंज करनी होती है तो पहले हाई कोर्ट में होगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अग्रीव पर्सन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अगेन द डिसीजन ऑफ अ ट्राइब्यूनल विदाउट फर्स्ट गोइंग इन टू दाई कोर्ट सो सुप्रीम कोर्ट में अपील के द्वारा ही ट्राइब्यूनल्स की जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के पास जाना पड़ेगा पहले क्रिमिनल मैटर्स में जमेंट ऑफ द सेशन कोर्ट और एडिशनल सेवन ईयर अगर जो ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट है सात साल से अधिक की सजा सुना दी तो उसको सीधा अपील किया जा सकता है हाईकोर्ट में नाउ रिमेंबर डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड बाई अ सेशन कोर्ट और कंफर्म बाई दाई कोर्ट बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड क्या समझे कोई सेशन कोर्ट और कोई एडिशनल सेशन कोर्ट्स जो कि क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, ठीक है अगर कोई सबिनेट कोर्ट का जज किसी को मृत्युदंड दे, 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 दे तो चाहे सामने वाला बंदा अपील करे या ना करे सेम जजमेंट नीड्स टू बी कंफर्म हाई कोर्ट तो मतलब देश में कोई भी डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती है अनटिल एंड अनलेस

हाई कोर्ट के पास पावर है सुप्रींटेंडेंस की जितने भी कोर्ट और ट्राइब्यूनल है उनकी टेरिटोरियल में है मिलिट्री कोर्ट्स का नहीं है मिलिट्री का भी नहीं क्योंकि मिलिट्री कोर्ट स्टेट की थोड़ी ना होती है वो तो काइंड ऑफ मिलिट्री की होती है राइट मेक एन इशू जनरल रूल्स प्रोसीजर्स मतलब कि हाई कोर्ट्स रूल रेगुलेशन बना सकते हैं प्रिस्क्राइब फॉर्म्स इन विच बुक्स एंट्रीज अकाउंट्स टू बी सेटल द फीस पेबल टू द देरिफ क्लर्क ऑन एंड ऑन ठीक है वेरी ब्रॉड काफी ज्यादा ब्रॉड होती है एक्सटेंड टू ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं judicial superintendence भी होती है इट कैन बी सुओ मोटू नॉट नेसेसरी ऑन एप्लीकेशन बस मतलब अगर कोर्ट चाहें तो वो खुद ही बेसिकली सुप्रिंटेंडेंस को यूज कर सकते हैं पर ऐसा नहीं है कि कंप्लीट अनलिमिटेड अथॉरिटी है इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज मोस्ट एजली एंड ओनली इन दोप्रिएट केसेस जनरली

इट इज कंसल्टेड बाय द गवर्नर इन दी मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं जब उनको अपॉइंट करना होता है तो हाई कोर्ट्स और गवर्नर गवर्नर बेसिकली हाई कोर्ट्स के जजेस के साथ कंसल्ट करता है नॉट नो प्रॉब्लम डील्स विद द मैटर्स पोस्टिंग प्रमोशन जुडिश्री के जुडिशियल ऑफिस के विद ड्रॉ केस पेंडिंग इन सबऑर्डिनेट कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व अबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ सो किसी कोर्ट में अगर कोई ऐसा केस है जिसमें इंटरप्रटेट करना है लॉ को तो वो केस डायरेक्टली हाई कोर्ट चाहे तो उस कोर्ट से ले सकती है

and the supreme court on the other hand has been specifically conferred with the power of the review by the constitution. Hmm. now this one is a very, very interesting point. the catch is that i am really right now confused whether the upsc will actually pick it or not. so high court can review its own judgment, but that power is not given in the constitution. it does it and it does it. supreme court has that particular power. By the constitution, interesting, very, very interesting actually. Power of the judicial review is as simple as that uh, they can actually review the constitutionality of the legislative enactments and the executive order of both central and state governments. When I found it for the first time, it was actually an interesting fact the high courts are national parliament law unconstitutional. Like there are 25 high courts, you can actually.

राइट सुप्रीम कोर्ट के सॉरी हाई कोर्ट के अंदर अगर किसी किसी भी चीज की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को को चैलेंज करना होता है, तो है. एक तो तीन एक ये ये कि कि वो वो लॉ फंडामेंटल राइट्स कर रहा है दूसरा ये कि है दूसरा जिस अथॉरिटी ने या एग्जीक्यूटिव उसकी एंड इट चैप्टर